तो दोस्तों सुपरहिट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की अपार सफलता के बाद विकी कौशल एक बार फिर से आदित्य धर डायरेक्टर और रोनी स्क्रूवाला की अपकमिंग साइंस फिक्शन फिल्म द इमॉर्टल अश्वधामा में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसे दर्शक देखकर क्रेजी हो गए हैं। इन्हीं सब के बीच फिल्म को लेकर एक खबर सामने आई है कि रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने इसकी शूटिंग की लोकेशन की रेकी कर ली है और इसी साल सितंबर के महीने से इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। रिपोर्ट की माने सूत्र के हवाले से ये सूचना दी गई है कि 2 साल से चल रही इस फिल्म की तैयारियां अब अपने अगले पायदान के लिए तैयार हैं। मेकर्स ने भारी बजट में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग शेड्यूल भी लॉक कर दिया है। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर महीने में शुरू होकर अगले 5 महीने यानी कि जनवरी 2022 तक ख़त्म होगी। फिल्म की शूटिंग भारत, आयरलैंड, यूएई देश में की जा सकती है। यूएई में फिल्म की टीम ने अपने अच्छे लोकेशंस की रेकी कर ली है। अब जल्द ही एक दूसरी टीम आयरलैंड में लोकेशन देखेंगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म है और इस कारण मेकर्स एडिटिंग पर खास ध्यान देना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहले फिल्म की शूटिंग यूरोपीय देशों में शेड्यूल हुआ था लेकिन कोविड के चलते मेकर्स ने भारत के साथ यूएई को ही अब प्राथमिकता दी है। जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म में विकी का किरदार महाभारत के अमर योद्धा अश्वदामा से प्रेरित होगा जिनके बारे में महाभारत में कहा गया है कि वह अमर रहेंगे। फिल्म विकी के संग सारा अली खान एक्शन करते हुए नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं, आपको ये अपडेट कैसी लगी, आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें आपको मिलती है इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।